हेलो एवरीवन, कल हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ डीई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू वो कैसे बना, कैसे वो फॉर्म हो रहा है उसके बारे में पढ़ा था। आज जो कल पढ़ा उसको थोड़ा समअप कर लेते, रिवाइज कर लेते हैं, उसका एक शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे समझ सकते हैं। हमारा सिस्टम है और अदर देन सराउंडिंग है। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यही था, ठीक है। इसमें दो टर्म आ रही थी, डी क्यू और डी डब्ल्यू। हमने कहा कि अगर हीट में भी चेंज हो रहा है और वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वहां पे उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। सिस्टम क्या करेगा, या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या फिर हीट रिलीज करेगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू का साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव आएगा। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा, क्यू पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो हीट क्या आएगा मेरा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या इसी फर्स्ट लॉ को बता दिया इसने कि भाई अगर ऐसा ऐसा होगा तो ये फॉर्मूला में आप यहाँ डब्ल्यू का साइन यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर वर्क अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ प्लस आएगा डी क्यू। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, नेगेटिव रखूंगा। और सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो डब्ल्यू का साइन यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और सिस्टम फिर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक थोड़ा समअप हो गया कि फॉर्मूले में कहना क्या चाह रहा है फॉर्मूला ये। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक पहला फॉर्मूला है, जहां भी दिक्कत है कि इस फॉर्मूले को याद कर लेना, भगवान है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि डब्ल्यू का जो डब्ल्यू है यहाँ पे, वो डब्ल्यू का ये फॉर्मूला जो आप पढ़ते हो वो कहां से आ रहा है, कैसे ये डिराइव हो रहा है, ठीक है। तो वर्क क्या है, अपन ने पढ़ा कि वर्क एक पाथ फंक्शन है। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है। और पाथ फंक्शन हमेशा किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे, न कि स्टेट पे। तो पाथ फंक्शन है तो इसका क्या होगा, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है वर्क का, ठीक है, डब्ल्यू का। मतलब अगर आप इसको इंटीग्रेशन करना चाहो, लिमिट लगाना चाहो, तो आप इस पे लिमिट नहीं लगा सकते। डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, ये लिखना गलत होगा, क्योंकि ये क्या है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो हम अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डी डब्ल्यू पे कभी भी लिमिट नहीं लगानी, क्यों, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है और इनका इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इस पे आप इंटीग्रेशन करके, इस पे लिमिट लगा के इसका डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आता है वर्क का, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। अब इसको ये आया कैसे फॉर्मूला, अब इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। अब माना कि मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें एक आइडल गैस भरी हुई है, ठीक है, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, पी एक्सटर्नल, और गैस का इंटरनल प्रेशर भी क्या है, पी। ये मेरी क्या इनिशियल स्टेट है। जब इनिशियल स्टेट है तो पी एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर पी दोनों क्या इक्वल है, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करना चाह रहा हूं, यहाँ पे मैं कंप्रेशन करना चाह रहा हूं। यहाँ पे वॉल्यूम क्या इनिशियल वी आई, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो क्या है, फाइनल वॉल्यूम से कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो इधर बढ़ रहा है, इधर घटेगा वॉल्यूम और इधर प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर। तो प्रेशर मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, पी एक्सटर्नल मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब मैं क्या, अब मैं जो पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, कहां तक, वी फाइनल तक, वी फाइनल तक कंप्रेस कर रहा हूँ। तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पिस्टन लेंथ क्या थी इसकी, एल लेंथ तक ही मूव करा, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ए। तो वॉल्यूम में चेंज क्या आएगा मेरे, ये इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट है, ठीक है। यहां पे हम किस वर्क की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क की। थर्मो में हम मैकेनिकल वर्क की बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, पीवी वर्क। पीवी वर्क की बात होगी यहां पे ओनली। तो हमें पीवी वर्क निकालना है। तो मैकेनिकल वर्क क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम में क्या चेंज आया है, वॉल्यूम में क्या चेंज आया और प्रेशर कितना था, वो मेरा क्या हो जाएगा, मैकेनिकल वर्क। तो जब मैं मैकेनिकल वर्क की बात कर रहा हूं तो इनिशियल स्टेट में वी इनिशियल वॉल्यूम था मेरा। जब मैंने कंप्रेस करा इस पिस्टन को तो वन मोल गैस क्या हुई, कंप्रेस हो गई, तो ये मेरा फाइनल वॉल्यूम आ गया वी एफ, ठीक है। अब वॉल्यूम में कितना चेंज आया वो हमें निकालना है। तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए, और उसकी लेंथ क्या थी, उसका प्रोडक्ट ही क्या होगा, उसके वॉल्यूम में चेंज होगा। वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई में क्या चेंज आया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया इंटू लेंथ। हमें यह पता है कि वर्क क्या होता है, नॉर्मल वर्क की डेफिनेशन, मैकेनिकल वर्क क्या होता है, आपने कितना फोर्स लगाया और कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस तक मूव करा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। ये मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस,
अब हमें वर्क का फॉर्मूला पता, लेकिन लेकिन डिस्टेंस हमें पता है क्या है यहाँ पे एल है, लेकिन फोर्स कितना लगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स क्या आ जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की वैल्यू मैं यहां रख सकता हूं वर्क डब्ल्यू के फॉर्मूले में। तो फोर्स क्या आ गया, ये प्रेशर और इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो और डिस्टेंस तो हमें पता है क्या है, एल है। और ए इंटू एल को तो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम में चेंज। तो मैं यहां पर ए इंटू एल की जगह क्या रख सकता हूं, पी इंटू डेल्टा वी। ए और एल क्या है मेरे, वॉल्यूम में चेंज की तो बता रहे हैं, तो पी इंटू डेल्टा वी हो गया। ये आ गया आपका वर्क का फॉर्मूला। बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लगा रहे हैं। माइनस लगाने का मतलब क्या है, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हमारा डब्ल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो गैस में क्या होगा, एक्सपांशन होगा। आप इसको नोट कर लो, जब तक समझ में आया कि जब आपने क्या करा, गैस को कंप्रेस करा, मैं एक्सपांशन भी कर सकता था, कंप्रेस भी कर सकता, तब भी डब्ल्यू आता हमारा। तो जब मैंने कंप्रेस करा इसको, वी इनिशियल से वी फाइनल तक गया, पिस्टन मूव करा, तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। जब वॉल्यूम में चेंज पता है, हमें क्या निकाल रहे, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क क्या होता है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्स लगाया, कितनी डिस्टेंस तक वो मूव करा, वो मैकेनिकल वर्क है। फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पता करना है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस हमें पता है एल, और ए और एल को तो हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी आ गया। अब ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये आपका फॉर्मूला आ गया, W is equal to minus P delta V। जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तब क्या होगा, गैस का एक्सपांशन होता है। गैस का एक्सपांशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब गैस एक्सपांड करती है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा उसका। तो डेल्टा वी में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपका फॉर्मूला ये था, तो डेल्टा वी ये हमने कन्वेंशन के लिए क्यों लगाया, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू मेरा क्या आता है, नेगेटिव होता है। डब्ल्यू नेगेटिव होगा तभी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और गैस का क्या होगा, एक्सपांशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब गैस का एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और हमें पता है कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू का साइन क्या आता है, नेगेटिव। तो आप देख लो डेल्टा वी यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव। डेल्टा भी पॉजिटिव रहेगा, बाहर नेगेटिव है ये, तो डब्ल्यू आपका क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तब वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी कि यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंप्रेशन की। जब मैं कंप्रेस कर रहा हूं पिस्टन को, तब मेरा क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। देखिए यहाँ पे वी इनिशियल यहाँ पे ज्यादा है, जबकि वी फाइनल क्या है, कम है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आ गया, डेल्टा वी यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और हमें पता है कि जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वर्क क्या आता है, पॉजिटिव आना है, वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वर्क पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जब कंप्रेशन होता है तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव, और ये आगे और नेगेटिव हो गया, तो डब्ल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, प्लस पी डेल्टा वी। इसलिए हमने यहां पे क्या करा, हमारे कन्वीनियंस के लिए यहां पे नेगेटिव साइन लगा रखा है, ताकि न्यूमेरिकल करते समय जो हमारे वर्क आए वो ऑटोमेटिक, जब अगर एक्सपांशन होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, और कंप्रेशन होगा तो डब्ल्यू मेरा अपने आप क्या जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये फॉर्मूला आया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, कैसे आया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब जो आपकी इक्वेशन थी, डी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू,
अब ये तो क्या है, वॉल्यूम चेंज को बता रहा है। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी भी लिख सकता हूं जब मैं एक स्मॉल चेंज की बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या आ सकता है, डी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की जगह क्या रख दूंगा मैं, ये डी क्यू माइनस पी डीवी, या फिर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, पी डेल्टा वी। नेगेटिव कब आएगा, जब ये तो आपका फॉर्मूला ही है, तो आपको ऑटोमेटिक आपको ये डब्ल्यू यहाँ पे आपको मिल गया, डब्ल्यू आप यहाँ पे रख दोगे। अगर एक्सपांशन होगा तो वर्क नेगेटिव आएगा, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और आपका डब्ल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब आप कंप्रेशन करते हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ऑन द सिस्टम हो रहा है तो डब्ल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये तो बात होगी डब्ल्यू की। इसके बाद बात करेंगे एंथैल्पी की, एंथैल्पी कैसा है, एच का फॉर्मूला कैसा आया, आप ये नोट कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है ये, ज्यादा इसमें आपको समझ माना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे और कैसे, मतलब इसका डब्ल्यू का नेगेटिव साइन क्यों रख रहे हैं, हमारे कन्वीनियंस के लिए रख रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल करते समय गलत नहीं हो, साइन जो आए डब्ल्यू का वो सही आ जाए बाद में। अब एक नया स्टेट फंक्शन है एंथैल्पी, कि हमें नए स्टेट फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, एंथैल्पी का मतलब क्या और ये क्यों आया, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ, फर्स्ट लॉ समराइज का फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करूंगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या बताया था, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब डीवी इज इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो यहां पे पी डेल्टा वी क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आ गया, जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन करा रहा हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी वी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डी मेरे किसके बराबर आ जाएगा, डी क्यू के। तो ये जो हीट आई, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो कहां पर हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मैं ये लिख सकता हूं डी क्यू वी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कब, जब यहाँ पे क्यू पॉजिटिव होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कब, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी। ये तो बात होगी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी गई हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी। बट जो हम रिएक्शन करते हैं उसमें जो बैक्टीरियल रिएक्शन होती है, जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, क्या उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता है क्या, उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं बीकर में, तो या तो वॉल्यूम उसका घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी नेचुरल हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या होता है, वॉल्यूम कभी कांस्टेंट नहीं रहता, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो हम यहाँ पे तो ये बात तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे करती, लेकिन जो नेचुरली होते हैं, जो लैब में रिएक्शन होते हैं, वहां पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रख नहीं सकते अपन, लेकिन नेचुरली जो प्रेशर होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। कोई भी हम जब रिएक्शन करते हैं तो प्रेशर तो हमारा क्या है, वन एटमोस्फेयर ही रह रहा है, तो प्रेशर तो हमारा क्या है, कांस्टेंट ही रह रहा है। तो हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर रखने पर इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आ रहा है। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, ये क्यूपी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट, और पी एक्सटर्नल मैंने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया मेरा, और ये वॉल्यूम में चेंज। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर अगर मैं हीट दे रहा हूं सिस्टम की, तो किसके बराबर आएगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो वो कांस्टेंट प्रेशर पे कैरीड आउट होती है, न कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट किसके बराबर होगी, वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन थी, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई और डेल्टा वी को मैं खोल भी लिख सकता हूं, E2 माइनस E1 QP माइनस P V2 माइनस V1। अब मुझे क्या हीट निकालने की, कांस्टेंट प्रेशर पे कितनी हीट दी गई तो क्या एनर्जी में चेंज आ रहा है, तो QP बराबर क्या आ जाएगा, इसको मैं यहां ले सकता हूं, तो E2 माइनस E1, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस P V2 माइनस V1। अब इसको अगर रीअरेंज करूं तो कैसे लिख सकते हैं, E2 माइनस E1
प्लस पी वी टू और प्लस ये क्या नेगेटिव का पी वी वन। अब इसको यहां लिख इसके साथ रिअरेंज कर दू ई टू और इसको यहां लाऊंगा तो क्या आ जाएगा प्लस का है पी वी टू। ठीक है, इसी तरह इसको मैं अरेंज करूंगा बीच में प्लस का साइन है ई वन माइनस का ये इधर जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा ये माइनस तो यहां रहेगा बीच में ई अगर इस माइनस दोनों में माइनस कॉमन ले लू बाद में तो ई माइनस पी प्लस पी वन आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया मेरा क्यू पी। ठीक है, अब इसी टर्म को क्या कहते हैं एंथैल्पी क्या होती है ई प्लस पीवी। एंथैल्पी क्या होती है ई प्लस पीवी। तो ई प्लस पीवी आ गया आपके पास तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्यूपी क्या आ जाएगा ये एच टू बोल दो इसको माइनस ये एच वन हो जाएगा और एच टू माइनस एच वन को क्या बोल सकते हैं डेल्टा एच। तो एंथैल्पी क्या है मेरा कॉन्स्टेंट प्रेशर पर सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट ही मेरा क्या है एंथैल्पी में चेंज के बराबर आ रहा है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर मेजर्ड बाय चेंज इन एंथैल्पी। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर एब्जॉर्ब बाय द चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी में जो आ रहा है कॉन्स्टेंट प्रेशर तो वही मेरे क्या हीट के बराबर है। ठीक है, तो आपको ये पता चला कि क्यूपी को हम डेल्टा एच क्यू बोल रहे हैं कब जब कॉन्स्टेंट प्रेशर पर सिस्टम को दी गई हीट उसमें एंथैल्पी के चेंज के बराबर आएगी। तो एंथैल्पी क्या होता है एच ई प्लस पीवी। इसको आप अगर स्मॉल चेंज कर रहे हो तो डी ई प्लस पी डीवी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एंथैल्पी का टर्म आई कहां से। एंथैल्पी क्या होती है एच बराबर ई प्लस पीवी। तो इसी को हमने प्रूव करा है कि एच प्लस ई पीवी कैसे आ रहा है। ठीक है, एच टू माइनस एच वन हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा एच। अब एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे, एंथैल्पी की क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा कि एंथैल्पी का फॉर्मूला आया कैसे, एंथैल्पी डिराइव कैसे। तो एंथैल्पी है क्या, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो चेक होती है चेंज इन एंथैल्पी। जब भी सिस्टम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब है कि हम एंथैल्पी में चेंज निकाल रहे हैं। जब भी कोई भी सिस्टम कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब ये है कि वहां पे चेंज इन एंथैल्पी देखेंगे। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू डेल्टा एच। और एंथैल्पी क्या है, फाइनल और इनिशियल स्टेट को बता रहा है। तो एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है मतलब वो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बाय द सराउंडिंग। सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट बाय सराउंडिंग। अगर एंथैल्पी आपकी नेगेटिव आ रही है मतलब वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो एंथैल्पी क्या हो गया, आपका एक स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी का मतलब समझ में आ गया कि जब हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, वो क्यों किसको बताएगा, चेंज इन एंथैल्पी को बताएगा हमेशा। तो ये आ गया आपका एंथैल्पी। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा पी वी, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी। ये डेल्टा यहाँ पे क्या बता रहा है, चेंज इन स्टेट को बता रहा है, फाइनल और इनिशियल स्टेट को बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, अगर हम कुछ सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, सॉलिड और लिक्विड में क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड में वहां पे क्या होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें इतना नेगेटिव चेंज नहीं आता है। सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या हो रहा है, सॉलिड और लिक्विड रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम इन सॉलिड एंड लिक्विड रिएक्शन। जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो इनसिग्निफिकेंट हो रहा है। अब बीकर में रिएक्शन करा रहे, क्लोज रिएक्शन करा रहे, तो उसका वॉल्यूम जो है आपने वॉल्यूम क्या उसका फिक्स ही रह रहा है, वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा। सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, सॉलिड का वो एक टुकड़ा है वो सॉलिड ही रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा तो उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है। तो जो एंथैल्पी हो जाएगी अगर मैं बात करूं तो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड
लिक्विड, और सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या हो रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज है, चेंज इन वॉल्यूम में वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट। वॉल्यूम में चेंज क्या इनसिग्निफिकेंट है, बहुत मामूली से चेंज होता है जो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, होता ही नहीं ना के बराबर। जब तो हमारी इक्वेशन ये लिख सकते हैं हम, जब वॉल्यूम में चेंज ही आपका नेगलिजिबल है, यहाँ पे अगर वॉल्यूम में चेंज ही नहीं होगा तो फॉर सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा ई के। ऐसे में सॉलिड और लिक्विड में क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज इनसिग्निफिकेंट है, ना के बराबर हो रहा है। जो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, इनिशियल और फाइनल स्टेट का वॉल्यूम सेम ही रह रहा है, तो वॉल्यूम में चेंज आपका जीरो होते ही, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो आपका क्या आएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आ जाएगा। और सॉलिड रिएक्शन के लिए, सॉलिड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर आ जाएगा। डेल्टा ई मेरा क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, ई क्यूवी के बराबर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू क्यूवी। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दी जाएगी वो किसके बराबर होती है, डेल्टा ई के, तो डेल्टा ई आएगा, वही आपका क्या जाएगा डेल्टा एच। तो फॉर सॉलिड और लिक्विड रिएक्शन के लिए क्या होगा, डेल्टा एच डेल्टा ई और जो हीट है वो तीनों क्या होगी, सेम वैल्यू होगी। एंथैल्पी की ये बात होगी किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं गैसेस रिएक्शन के लिए, गैसेस रिएक्शन में कैसे चेंज आएगा उसको हम देख लेते हैं। अब गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं, गैस मतलब आइडियल गैस ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। आइडियल गैस में क्या होगा, यहाँ पे आइडियल गैस की बात करूं, आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी में चेंज किसके बराबर हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। एक देसी दिमाग तो ये लगाए कि अपन को पता है कि डेल्टा एच बराबर क्या है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, पीवी की जगह मैं क्या कर सकता हूं, एन आर टी प्लस डेल्टा एन आर टी। इसमें से आपको पता है वेरिएबल तो दो चीजें, या तो मोल, एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल होते हैं, एन किसको बता रहा है, नंबर ऑफ मोल को बता रहा है, और आर क्या है, यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट तो फिक्स होता है आपका, लेकिन टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, ये किसको बता रहा है, टी टेम्परेचर को। तो एनआरटी में सिर्फ दो चीजें वेरिएबल है, या तो मोल वेरी कर सकते हैं या टेम्परेचर वेरी कर सकता है, ठीक है। तो हम इसके यहाँ पे दो फॉर्मूले बन सकते हैं, आर तो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स है, तो डेल्टा एच का डेल्टा ई प्लस, अगर मैं मोल वेरी करा रहा हूँ तो डेल्टा एन जी, क्योंकि गैसेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, डेल्टा एन जी आर टी हो जाएगा। अगर मोल मेरे फिक्स रख दूं मैं और टेम्परेचर मोल फिक्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर वेरी करेगा, तो इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन आर डेल्टा टी। तो ये दो फॉर्मूले हम ऐसे भी सीधे बना सकते हैं, ठीक है। और ये डेल्टा एन जी को हम ये प्रूफ भी कर सकते हैं कि पीवी बराबर पी डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा एनआरटी, ठीक है। इक्वेशन अगर मैं ऐसे लिखूं, पी वी टू इज इक्वल टू एन आर टी, जब मैं टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट ले रहा हूं तो मोल वेरी करेंगे, और यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, इस इक्वेशन को मैं ऐसे कर दूंगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब पी डेल्टा वी की जगह मुझे क्या रखना है, डेल्टा एन जी आर टी। ये कैसे लिख सकता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन अपन को पता है ये है, तो वॉल्यूम में चेंज बता रहा है इक्वल टू एन टू आर टी, मोल चेंज हो रहे हैं, पी वी वन इज इक्वल टू एन वन आर टी। ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई, टू माइनस वन करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा, पी वी टू माइनस पी वी वन इक्वल टू एन टू आर टी माइनस एन वन आर टी। अब इन दोनों में प्रेशर कॉमन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा वी टू माइनस वी वन, यहाँ पे आर टी कॉमन है तो एन टू माइनस एन वन। इसको क्या लिख सकता हूँ, पी डेल्टा वी इक्वल टू ये डेल्टा एन हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। ये आपका आ गया कि हम पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी
रख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे ये फॉर्मूला बन गया, जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, ये सारा सेम रहेगा, यहाँ पे क्या जाएगा एन आर डेल्टा टी आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले किसके लिए है, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, ये गैसियस रिएक्शन पे अप्लाई होगा, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में डेल्टा एच और डेल्टा ई तो आपका क्या आता है, सेम आता है। और सॉलिड के लिए क्या आएगा, और गैसियस रिएक्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो गैसियस रिएक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, आप एक बार इसको नोट कर सकते हो, गैसेस रिएक्शन है माना कि ए से क्या बनता है, ए प्लस बी मिलके सी बना रहे, तीनों सब क्या है गैसेस स्टेट में है। डेल्टा एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, डेल्टा एन जी क्या जाएगा, प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं एक, रिएक्टेंट के कितने हैं दो, तो वन माइनस टू करूंगा तो डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का वन आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एन जी किसके आ रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल है, तो डेल्टा एन जी यहाँ क्या रह सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ध्यान रखना है कि गैसेस रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी, अब ए तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट में है लेकिन बी गैस में है और सी गैस में है, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट सी हम यहाँ गैसेस जो गैसेस एलिमेंट है उन्हीं की बात करेंगे ना कि सॉलिड की, तो प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, वन माइनस वन क्या जाएगा जीरो, यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपको कब लगानी है, जब आपकी गैसेस रिएक्शन दे रखी हो, तब आप डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हो, या फिर टेम्परेचर में वेरी कर रहा था आप टेम्परेचर में वेरी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एंथैल्पी आगे का, एंथैल्पी क्या आपका एक स्टेट फंक्शन है जो कि स्टेट पे डिपेंड करता है ना कि पाथ पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी का फॉर्मूला बना कैसे, एंथैल्पी आई क्यों, स्टेट फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, जब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो वो वहां पे हमें एंथैल्पी के चेंज के बारे में बता रहा है, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही तब हमें एक नए स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी, इसका नाम क्या दिया एंथैल्पी। तो एंथैल्पी के क्या क्या फॉर्मूले किन किन पे अप्लाई होता है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, हीट का मतलब क्या होता है, हीट कैपेसिटी का क्या मतलब होता है।